तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बर्मी शैली की सेवई की चाउमीन। जी हाँ, चाउमीन जो सब बच्चों को पसंद होती है और बड़ों को भी पसंद होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी यम्मी सी दिख रही है ये चाउमीन। जब भी भूख की क्रेविंग हो तो आप खा सकते हैं बनाकर, झटपट 5 मिनट में बनने वाली चाउमीन, बर्मी शैली सेवई चाउमीन। देख सकते हैं कितनी बिखरी बिखरी बनी हुई है। तो हमने 1 कप सेवई का लिया है, जिसको कढ़ाई में हमने डाल दिया है रोस्ट करने के लिए। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, देसी घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं अगर घी नहीं है तो। इसको डालकर हल्की स्लो फ्लेम पर इसको भून लेंगे, हल्का सा भूनेंगे और भून कर इसको निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। तो आप देख सकते हैं बस इतना ही हमने इसको भूनना है। ये रोस्ट हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये बड़ी इजी सी रेसिपी है, जब भी भूख की क्रेविंग हो तो आप ये बनाकर खा सकते हैं। इजी सिंपल टेस्टी चाउमीन। इसको उपमा सेवई भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि आप लोग क्या बोलते हैं इसको। ये रोस्ट हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। इसको निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 4 टेबल स्पून ऑयल, जो ग्राम में देखा जाए तो 25 ग्राम ऑयल होगा। इसमें हम ऐड करेंगे, एक ऑयल को हल्का गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून राई, मस्टर्ड सीड्स और फिर कुछ कड़ी पत्ता और एक मीडियम साइज ऑनियन रफली चॉप, जिसको हम ट्रांसलूस होने तक पकाएंगे सिर्फ 1 मिनट। और इसको पकने तक इसमें डालेंगे टमाटर और ये कुछ वेजीज हैं, एक टमाटर है, शिमला मिर्च है, गाजर है। बस हमारी ऑनियन हो गई है रेडी। इसमें डालेंगे अब टमाटर। टोमेटो को अच्छे से फाइन चॉप कर सकते हैं आप, ताकि जल्दी से गल जाए, मैंने रफली चॉप किया था। इसको डालकर अच्छे से कुक करेंगे। ये कुक हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे अपने मसाले। तो इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। 1 कप हम बना रहे हैं बर्मी शैली सेवई, तो हम इतना ही मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून जाएगी रेड चिली और सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे थोड़े से पानी के साथ, इसको कुक करेंगे। और जैसे ही मसाला कुक हो जाएगा, आगे का प्रोसेस करेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई होप यू लाइक इट। ईजी एंड सिंपल रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी आप लोगों को। ये है 1 टीस्पून भुना ज़ीरा, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इसको अच्छे से पानी डालकर भून लेंगे कुछ ही सेकंड स्लो फ्लेम पर। हमने पूरी सेवई स्लो फ्लेम पर ही बनानी है, ताकि जल्दी से पक जाए और लगे भी नहीं नीचे। तो अब इसमें ऐड कर दिया हमने वेजीज अपनी, और ये आ गई है जी वेजीज। और इसमें 1 गिलास के बराबर डालेंगे इसमें पानी और उसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, हम ऐड कर देंगे अपनी बर्मी शैली सेवई। और ये रही हमारी बर्मी शैली सेवई। ये हमारा हो गया 1 गिलास वाटर। और इसको हम हल्की स्लो फ्लेम पर ही इसको कुक होने देंगे, ढककर इसको कुक करेंगे, ताकि ये जल्दी कुक हो जाए और सारा पानी भी सोख ले। ये हो चुके हैं 5 मिनट इसको कुक होते हुए।
इसका लुक अभी आप देख सकते हैं, अभी ये भाप आ चुकी है इस कवर, देख सकते हैं आप पानी पूरा सूख चुका है। अब इस स्टेज पर आप अपनी फ्लेम को ऑफ कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें और सर्व करें गर्मा गर्म धनिया पत्ती के साथ इसको, और इंजॉय करें इवनिंग स्नैक्स या भूख में, या आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। इजी सिंपल रेसिपी है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट गाइस। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे ही इजी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें अब आप एक टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर सकते हैं, जिससे फ्लेवर और एनहेंस हो जाएगा वर्मीसेली चाउमीन का। एक्चुअली ये वर्मीसेली सेवई है, तो इसको चाउमीन के स्टाइल में बनाया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।